वेद पुराण आयुर्वेदा में आप सबका स्वागत है। आज ये बहुत दिनों के बाद ये मटेरियल तैयार हुआ है। देखिए आप, बिल्कुल जेड ब्लैक है, जो बहुत लंबे टाइम के बाद, बहुत लंबे बार बार जड़ी बूटियों को पाया जाता है, डाला जाता है, फिर उसे निचोड़ा जाता है, बार 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 उसका सत्व निकाला जाता है। एंड ये देखिए, हमने इसका सत्व निकाला हुआ है और अभी ये निकाल के रखा हुआ है। और ये कपड़ा उतारना बेटे, ये कपड़ा उतारो जो ढक के रखा हुआ है, ये कपड़ा उतारो। ये देखिए सारा अब छन रहा है वापस। इसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत। फैक्ट्रियों में यदि हम लोग शैम्पू बनाएं, या शैम्पू जो फैक्ट्रियों में बनते हैं, वो क्विंटलों के हिसाब से तैयार हो जाते हैं एक दिन के अंदर। तो कुछ तो फ़र्क होगा इन शैम्पूज़ में भी। और देखो, एक शैम्पूज़ का बेनिफिट क्या है, जिन लोगों को सोराइसिस है, एक्जिमा है, या फंगल इन्फेक्शन है, या फिर जिन लोगों के बाल बालों में एक बार वॉश करने से ही कलर उतर जाता है, तो ये आपके हेयर को कलर भी प्रोटेक्ट करता है, प्लस आपका हेयर का टेक्सचर बड़ा अच्छा करता है। जिन लोगों को सोराइसिस है, एक्जिमा है, या फिर कलर का इन्फेक्शन हो जाता है, जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो जाती है, या फिर ये लगा लो कि बहुत ज़्यादा जो रूखापन जिसको बोलते हैं डैंड्रफ, किसी किसी को इतना ज़बरदस्त डैंड्रफ होता है कि स्कैल्प के ऊपर से पपड़ियाँ उतरती हैं, तो ये उसको भी क्योर कर देता है। मतलब कि आप अपने स्कैल्प की कोई भी इन्फेक्शन हो, कोई भी इन्फेक्शन, वो सारा का सारी प्रॉब्लम आपकी ठीक कर देगा। ये पुराने ज़माने में जैसे चीज़ें बनती थी ना, कि दादा दादियाँ नानियाँ इतनी मेहनत करती थी, उसी तरीके से ये सब बनता है। क्योंकि ये वो चीज़ें नहीं है जो आप जल्दी से आप इसे बना रहे हो और बन गया ये चीज़। इसके अंदर बार बार जड़ी बूटियाँ डाली जाती है, बार बार इसमें नारियल का पानी डाला जाता है, चावल का पानी डाला जाता है इसमें, और तो और हम इसमें पनीर का जो पानी निकालते हैं वो भी इसके अंदर डालते हैं। एक किस्म का हम जैसे खाद में फर्टिलाइज़र बनता है ना, जैसे अपन खेतों में फर्टिलाइज़र बनाते हैं, तो वो उस तरीके से इसके अंदर इतने सारे हर्ब्स हैं और इतनी सारी जड़ी बूटियों के साथ इसे तैयार किया जाता है। ये देसी खाद है हमारे बालों के लिए, जो जो इसे यूज़ कर रहा है। और मैं चाहती हूँ कि वो प्लीज़ अपने रिव्यू दें, पता नहीं क्यों नहीं वो रिव्यूज़ देते, यूज़ कर रहे हैं और रिव्यू तो ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि ये सिर्फ बेचने के पर्पज़ से नहीं मैं बनाती हूँ इसे, मैं अपनी पूरा दिल जान लगा कर ये सब चीज़ें बनाती हूँ, ताकि जो लोग नहीं बना रहे ये सब चीज़ें, और इतनी मेहनत से, इतने घंटों के हिसाब से मैं इसे बना रही हूँ, कि मैं चाहती तो मैं एक दिन में क्विंटलों के हिसाब से शैम्पू बना के और उसे सेल कर देती कम रेटों में, और मैं बहुत पैसा कमा सकती थी, मगर मैं वो नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि जो मैं बना रही हूँ वो लोगों को, जो वो पैसा मुझे देते हैं, तो वो जो मुझे लोग पैसा दे रहे हैं तो उसकी वर्थ हो। ऐसा ना हो कि मैं पैसा ले रही हूँ और उसकी वर्थ ना हो। तो मेरा जितना भी ये सब काम है, सिर्फ यही दिखाने के लिए मैं आप लोगों को वीडियोस दिखाती हूँ, कि आप लोग जहाँ भी इसे देख रहे हैं कि ये शुद्ध तरीके से हमारी चीज़ें बनती हैं बिल्कुल, और लंबे टाइम के साथ इसे बनती है, ना कि एक फैक्ट्री की तरह क्विंटलों के हिसाब से बनती है। 9-9 महीने, 8-8 महीने लग जाते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और ये देखिए, लोहे के कढ़ाई में अब एक तैयार हुआ तो दूसरा इसकी तैयारियां चल रही हैं, और जैसे ये निपटा है अब साथ ही दूसरे की, फिर तीसरे की तैयारियां कर देंगे। क्योंकि शैम्पू और ये जो हेयर के प्रोडक्ट्स हैं हमारे सबसे ज़्यादा जाते हैं लोगों के पास, क्योंकि जो क्रीम्स हैं वो टाइम लगता है उसको ख़त्म होने में, और ये शैम्पूज़ और हेयर की प्रॉब्लम हर किसी को है, क्योंकि हर कोई गंजा हो रहा है, हर किसी के बाल झड़ रहे हैं, हर किसी के पतले हो रहे हैं। और सबसे एक और बात है कि कलर का फैशन है आजकल, लोग कलरिंग करा रहे हैं, मगर वो कलर एक बार के शैम्पू के बाद ही आपका ख़राब हो रहा है, एक बार के वॉश के बाद ही उतर रहा है। क्योंकि मैं भी एक 50 साल की एक फ़ीमेल हूँ, और मेरा पहले क्या होता था कि एक शैम्पू मैं करती थी, हेयर वॉश करती थी, और साथ ही आपका मेरा क्या होता था कि एक वॉश से ही मेरा कलर उतर जाता था। तो मैं उसके ऊपर सर्च करती रही करती रही, मुझे 4 साल लगे इसको सर्चिंग करने में, कि आपके बाल भी सेफ हों, आपका फंगल इन्फेक्शन भी ना हो, और आपका कलर भी ना उतरे। तो और हमें देखो, इतनी मेहनत करने के बाद हम ये सब काम करते हैं, तो मैं जरूर चाहती हूँ कि प्लीज़ अपने रिव्यू दें। क्योंकि बेचना मेरा ठीक है, मुझे बेचना तो है ही है, क्योंकि मैं इनके खर्चे कहाँ से निकालूंगी। और सबसे बड़ा जो मेरा मेन काम है कि लोगों को ठीक करना, एक आयुर्वेदा जो नेचुरल तरीके से, जो आयुर्वेदा से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं।